जो है। जब इतने बिल आते हैं तो वो कौन भरेगा, कहाँ से देंगे? गैस के बिल आएंगे कहाँ से भरेंगे, आमदनी है नहीं। हाँ, इमरान खान ने कहा कि हम 12,000 दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम में, अभी ना उनसे गालियाँ निकलेंगी। इमरान नहीं आ रहा, नलके का बिल भी लेते हैं ना, पानी हम खरीद रहे हैं। हाँ, तो हमारा पानी खरीद रहे हैं, तो वही कहेंगे जी ये सब बस कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किस चीज़ का है, कंट्रोल किस चीज़ का, कंट्रोल किसका है, नहीं है, गरीब का रेडी उलट दो बस, और कोई कुछ नहीं है। सर पख्तून में भी 2500 सैलरी बढ़ गई और पंजाब में भी 2000 सैलरी बढ़ गई, हमारे कराची वालों को क्या हो गया? यहाँ पे हुक्मरान कुछ नहीं है करते ताकि यहाँ पे तो सैलरी बढ़ाए, हम मजदूर लोग हैं कहाँ से खाएं? यहाँ 18,000 सैलरी और तकरीबन 4 साल हो गए इसी सैलरी से खा रहे हैं, वहाँ उधर पंजाब में सैलरी बढ़ गई और पख्तून में बढ़ गई और यहाँ कराची वाले कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब वही जो बेसिक सैलरी थी वो वही है, सेम वैसी सैलरी चल रही है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, ऊपर बढ़ गई, आसमानों पर लग गई है और हमारी जेबें खाली है। ये देखो कुछ भी नहीं है हमारे जेबों में, क्या है, कुछ भी नहीं है, किधर के जाए हम? हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हमारे जेबों में आएगी ना, और घरों का किराया देखो, गैसों का किराया देखो, बिजलियों देखो, हर चीज़ है, तो वो उन चीज़ों का बिल ले रहे हैं तो हमारी सैलरी तो बढ़ाए ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे? बिजली के बिल इतने इतने आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, 10,000 से ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, एक एक कमरे का, एक एक कमरे का, अब 6,000 एक कमरे का आया, 8,000 एक कमरे का आया, किधर जाएं हम? 18,000 में बच्चे पाले या हम खुद बड़े हो, किधर जाएं? ना बच्चों को पढ़ा सकते ना कुछ भी नहीं करा सकते, अब किधर जाएं हम? इतनी हुकूमत से दरख्वास्त है हमारी, हमारी कराची में कम से कम सैलरी तो बढ़ा लें और महंगाई को कंट्रोल करें। महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल करेंगे, इतना बड़ा शहर है, थोड़ी सी तो कंट्रोल कर ले ना, अगर इन्हें कर ले, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर हमारी सैलरी बढ़ा दे। मैं यही कह रहा हूँ यार, पूरी बाजार लूट की लगी है, गरीब जाए तो कहाँ जाए, सब लूट रहे हैं, सब लूट पे लगे हुए हैं मंडी। ये गरीबों का कसूर नहीं, कसूर तो आगे वालों का है ना, हर चीज पे टैक्स, हर चीज पे, कारोबार है नहीं, बंदे बेरोजगार लगे पड़े हैं। बंदो ये मिर्ची 40 रुपए पाओ, जिसको 10 रुपए पाओ कोई नहीं पूछता था, अभी वो चटनी पीस के ये भी खा रहे हैं। नहीं एक बात कर रहा हूँ, आटा है, चीनी है, आटा चीनी से ले। सर क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन हुआ हुआ है, महंगाई भी इतनी शदीद हुई है, हर चीज महंगी है, सब्जी गोश्त मतलब हर चीज, तो चीजें तो बहुत महंगी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए इस बारे में, और जब मार्केट में आओ तो अजीब ही रेट चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ सबके अपनी मर्जी के, अपने अपनी मर्जी के, मंडी से कुछ लेके आते हैं, यहाँ आके कुछ बेच रहे होते हैं लोग, तो इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए और रेट्स को थोड़ा। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, सर इन आम मार्केट्स में तो लोग आते ही नहीं ना गवर्नमेंट के पास, तो कर रही है। बात ये है कि यहाँ सारे इस मुल्क में सब करप्शन के बोरे भरे, सब अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से चला रहे हैं ये मुल्क जो है, खुदा की कसम है, इस रोना आता है। ये बड़े बड़े लैंड क्रूजर गाड़ियों में घूमते हैं, अभी लोग बेचारे आटे से बहरूम हैं, उनको उनको परवाह ही नहीं है किसी गरीब आदमी की, या ये गरीब आदमी ये ठेले वाले हैं, ये भी 150-200 रुपए ये ठेले में जिसने लगवाया हुआ है वो क्या को दे रहे हैं सबको, वो उसने यहाँ किया क्या? रेट्स को थोड़ा सा कंपेयर करें और लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो आगे कम से कम कंपेयर तो करेंगे, आगे ठेलों में क्या चल रहा है, क्या रेट है, कोई अपने हिसाब से चल रहा होता है, और यही आप मंडी में जाएंगे वहाँ कुछ रेट होता है, आप कंपेयर। ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं? सर महंगाई तो ऑलरेडी है ना, आप चीज़ों को चेक लिस्ट होती है, वो पीछे बैकअप में लगी हुई होती है चेक लिस्ट, अब जब कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है उसको फिर आगे शो करा रहे होते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस मुल्क के अंदर मेरे हिसाब में बिल्कुल बड़े जो साहिबान हैं ना सरमाएदार, उन्होंने इस मुल्क को एक करप्शन का टोला बना रखा हुआ। ये नहीं कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई दिहाड़ीदार आदमी हूँ, ठेला लगाता हूँ, मेरी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही लोगों की क्योंकि लॉकडाउन है, दिहाड़ी नहीं लग रही। दिहाड़ी क्या लगेगी, नहीं लगने दे रहे, पुलिस वाले अलग हैं, ये भत्ते वाले अलग हैं, पार्टी वाले अलग हैं, फलाना अलग अलग पार्टियों वाले। गुजर बसर किस तरह चल रहा है आप लोगों का, गुजर बसर क्या खा रहे हैं, एक टाइम खाते हैं दूसरे टाइम का मयसर नहीं है। इस मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म किया रखा। हाँ तो इसका ये 12,000 जो ना राशन मिला है ना 12,000 मिले हैं, ये राशन भी बिक रहा है और ये 12,000 भी उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो इनके अपने लोग हैं। जलील हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है,
क्या किया है? ये महंगाई इतनी है, महंगाई क्या खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, क्या किया है? तो इमरान खान बोले कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को। हाँ, हम 2 साल हो गए महंगाई को कंट्रोल इसने किया, ये उतर जाएगा न, फिर आप सुकून आएगा। तो अभी कोई आवाम किसी तरफ से ये हालत है आवाम की, जो 1000 रुपया कमाए 1000 रुपये की सब्जी आए, क्या बचत होगी, बच्चों की फीस क्या देंगे? अभी कारोबार नहीं है, काम नहीं है, लोग लॉकडाउन लगा हुआ है। देखो ना, तो अभी पानी भी खरीद रहे हैं, बिजली भी जो है, बिजली के बिल जो है, जब इतने बिल आते हैं तो वो कौन भरेगा, कहाँ से देंगे? गैस के बिल आएंगे कहाँ से भरेंगे, आमदनी है नहीं। हाँ, इमरान खान ने कहा कि हम 12,000 दे रहे हैं एहसास प्रोग्राम में, अभी ना मुझसे गालियाँ निकलेंगी इमरान। हाँ हाँ, मिले ना, हमारी बिल्डिंग बनी है इसके, हाँ बिल्डिंग बनी है, चल मैं तो दिखाऊं, ये देखो हालत देखो, जलील कर कर के अभी तक कुछ पता नहीं है। आवाम को किसी तरह से सुकून नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे ही मस्कारे मार साहब, छोड़ो कुछ तो आवाम के साथ तामून करें ना, जब इतनी महंगाई कर रहे हैं तो। मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से लोग उनके पास काम ज्यादा ही परेशान है, लॉकडाउन तो इतना लगा दिया कि बहुत ही ज्यादा, तो भूखे मरेंगे क्या? राशन दे, किराएदारों का तो बहुत मसला है ना, अभी किराया अलग दो, फिर बिजली के बिल है, बिजली के बिल भरो, पानी खरीद रहे हैं, और हर चीज का खर्चा है ना, फिर कुछ तो तामून करें आवाम के साथ। तो हुकूमत कह रही है कि हम तामून कर रहे हैं, 12,000 रुपए दे रहे हैं महंगाई, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, सब आवाम को पागल बना के रखा हुआ है, बस आवाम हर चीज खरीदती है, हर चीज खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही अपना पूरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे, अपनी जिंदगी का टाइम पूरा कर रहे हैं, हम तो कोई है ही नहीं, हम तो बेवा औरत जैसे ही हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, नहीं एक बच्चा है छोटा, 15,000 मिलते हैं उसमें, दोनों बिल भी भरते हैं, घर का खर्चा भी चला, तो उसके अंदर घर का किराया भी है, बिजली का बिल। हाँ, ये तो बोल रही है, क्या करें, जिंदगी अपनी टाइम पास कर रहे हैं ना जिंदगी। हुकूमत किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो महंगाई है, परेशानियाँ लोगों की नहीं कर पा रही ना, बच्चे परेशान है, क्या करें। तो अभी 12,000 रुपए दे रहे थे, 12,000 रुपए आप लोग? नहीं नहीं, हमें नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमें, ये तो बोल रही हमारी बेटी है, वो भी बेवा है, उसको भी कुछ भी नहीं दिया, नौकरी करती है वो, तो मेरी हिम्मत तो है नहीं जो मैं जाऊँ फैक्ट्री में काम करूँ, ऐसे लोग भी नहीं भाई, जो मिल जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना टाइम पास कर लेते हैं बस। आवाम को हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, बिजली जो है, पानी लोग खरीद रहे हैं। देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो आटा तेल घी जो रोज के गरीब आदमी का लिया है वो नहीं है ना, आई समझ में नहीं, कम से हाँ अब दाल भी नहीं खा सकते, 80 रुपए की एक पाव दाल, 80 रुपए की, अपनी सोचोगा। तो अभी हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम जो आटा माफिया है जो महंगा कर रहा है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई नज़र आ रहा है कि कंट्रोल हो रहा है? अभी सबसे कुछ नहीं हुआ, वही महंगा है आटा, भी वही महंगा है, चीनी भी वही महंगी, पूरे रमज़ान गुजर गए तो गर्मी में सब कुछ शरबत चाहिए रोज़े में बच्चों को सब कुछ है, 1 किलो चीनी 4 दिन को बड़ी मुश्किल से, हम लोग चाय नहीं पीते थे, खाली वही पीते थे, ऐसे में तो हमने पूरा करा कैसे ना कैसे, मतलब अपने आप को मार के पूरा। हाँ समझ लो कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, बच्चों के लिए फ्रूट लिया 100 रुपये किलो तरबूज, 80 रुपये किलो खरबूजा, केले 150 रुपये दर्जन, इतने पतले पतले, ऐसे में भैया कारोबार भी बंद है, महंगाई जिस चीज़ को हाथ लगाओ बोलते लेना है, लो नहीं तो जाओ, अब कारोबार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्या करें इंसान, खाना भी है, बीमार है, मेडिसिन भी इतनी महंगी है, वो भी लेनी है, वो तो 300% बढ़ाई है, मैं वही तो बता रहे हैं ना, अब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, उसके बगैर गुजारा नहीं है, खाना एक दिन का। पहले आप कितने की दवा लेते थे और आप कितने की ले रहे हैं दवा? इस टाइम मेरी तकरीबन 4600 रुपये की एक महीने की दवाई आ रही है, 4600 रुपये की एक महीने की, और वो लाजमी खानी है, खाना हो ना हो, ये चीज़ें, बाकी महंगाई तो किसी चीज़ को हाथ लगा कर देख लो, महंगा महंगा, हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई को, जो माफिया है, समझ आ रहा है, माफिया है, चीनी माफिया है, रमज़ान में कहते कंट्रोल हो जाएगा, रमज़ान खत्म हो गया, अब इंशाल्लाह अब देख लो मुहर्रम बकरीद ये सारी आ रही हैं, कुछ भी नहीं होगा, वैसे चलता रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और ये जो लॉकडाउन में कहते हैं 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं कहाँ दे रहे हैं, कोई नहीं, किसी को नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसे ही एहसास प्रोग्राम है, एहसास में पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब पागल बनाया, किसी का एहसास नहीं हो रहा, कोई एहसास नहीं है, अब प्लाटों के चक्कर में डाल दिया, वो भी उसमें भी 2 नंबर ही हो रही है, बोले कि अब वो कह रहे हैं कूद गया है, 1.5 लाख रुपया पहले जमा करवाओगे, फिर जिसके पास 1.5 लाख रुपया वो प्लाट लेने जाएगा, वो पान खोकेगा अपना कबन खोल लेगा। सही।
तो मतलब अभी हर तरीके से परेशान है वहाँ, हर तरीके से बता रहे, खाने से, मेडिसिन से, हर चीज से, मकान का किराया।